हाय दोस्तों, मैं पीयूष वेलकम करता हूं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है नेटवेव्स इंस्टीट्यूट। दोस्तों आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं प्रोग्रामिंग विद VB.NET के बारे में। दोस्तों ये पेपर आपको PGDCA के फर्स्ट सेमेस्टर में है और इसकी यूनिट नंबर 3 को मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। दोस्तों सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सिलेबस के बारे में। दोस्तों यूनिट नंबर 3 का जो सिलेबस है वो आपके सामने है। तो दोस्तों इस पूरी यूनिट के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं, लेकिन मैं जो आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कुछ टॉपिक्स के बारे में, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, काफ़ी बड़ी हो जाती है, इसलिए मैंने इसको ब्रेकअप कर लिया है। तो दोस्तों आज मैं आपसे डिस्कस करूँगा स्कोप एंड लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल के बारे में। ये क्या होता है ये अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा दोस्तों मैं डिस्कस करूँगा मैसेज बॉक्स क्या होते हैं और इनपुट बॉक्स क्या होते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो अगला टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा कि ये आपके फॉर्म्स को किस तरह से लोड किया जाता है, किस तरह से शो किया जाता है, किस तरह से हाइड किया जाता है। तो दोस्तों इस पूरी यूनिट को मैंने एक्चुअली 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है और जो फर्स्ट पार्ट है वो अभी यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसका वीडियो नंबर 1 मैंने बनाया हुआ है। ये पूरे टॉपिक्स, फॉर्म को कैसे लोड किया जाता है, उसका लाइफ टाइम, वेरिएबल का लाइफ टाइम और स्कोप क्या होता है, मैसेज बॉक्स और इनपुट बॉक्स क्या होते हैं, ये सभी जो चीज़ें हैं ये मैं आज आपसे, ये सभी टॉपिक्स जो हैं वो मैं आज आपसे इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों हम टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं कि फॉर्म्स क्या होते हैं। अब दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि विजुअल बेसिक .NET जो है, VB.NET जो है, वो विजुअल प्रोग्रामिंग का एक सॉफ्टवेयर है जिसमें आप विजुअल प्रोग्रामिंग कर सकते हो। तो जो फॉर्म्स होते हैं वो विजुअल प्रोग्रामिंग के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स का मतलब ये हो गया कि जो भी प्रोग्रामिंग होगी इन फॉर्म्स के अंदर ही होगी, ठीक है। अब जैसे कि इसको मैं और इजी समझाता हूँ आपको, जैसे जो वर्ड है या एक्सेल है या पावर पॉइंट या जो भी आप करते हो प्रोग्रामिंग, जो भी प्रोग्रामिंग आज आप देखते हो वो सारी विजुअल प्रोग्रामिंग है, ठीक है। ये विजुअल प्रोग्रामिंग है, इसका मतलब ये जितना भी प्रोग्राम है आपको विजुअली सब कुछ दिखता है कि क्या आपके सामने हो रहा है। और इसका, इसकी जो भी प्रोग्रामिंग होती है वो फॉर्म्स के ऊपर होती है। जो वर्ड है वो एक बड़ा फॉर्म है, उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे फॉर्म्स दिए हुए हैं। तो दोस्तों जो भी आपको प्रोग्रामिंग करनी है वो आप फॉर्म्स के अंदर ही करेंगे। अब दोस्तों फॉर्म्स के 3 मेथड्स होते हैं यहाँ पे, शो होता है, हाइड होता है और इनेबल होता है। शो से आप फॉर्म को शो करा सकते हो, हाइड से उस फॉर्म को हाइड करा सकते हो, इनेबल से उसको इनेबल या डिसेबल कर सकते हो। दोस्तों ये तो हो गए फॉर्म के मेथड्स के बारे में कि भाई ये फॉर्म के 3 मेथड्स हो गए, शो कराना, हाइड कराना, इनेबल या डिसेबल कराना। इसके अलावा दोस्तों फॉर्म की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, जैसे कि नेम प्रॉपर्टी। नेम प्रॉपर्टी डिसाइड करती है कि इस फॉर्म का नाम क्या है। उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो रहती है वो फॉर्म 1 रहती है, और यहाँ पर आप कोई भी नाम जो भी आप चाहें वो यहाँ पर रख सकते हैं, उस वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। ये तो पहले हो गई नेम प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट प्रॉपर्टी। टेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है दोस्तों, ये टेक्स्ट जो है टाइटल बार में डिस्प्ले होता है और इस टेक्स्ट को आप चेंज कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो वैल्यू रहता है वो फॉर्म 1 रहता है। इसमें आप जो भी टेक्स्ट चाहें वो आप टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं और यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट आप टाइप कर सकते हैं, उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है फॉर्म 1 रहती है। इसके अलावा दोस्तों 4 कलर, जो आप फॉर्म के ऊपर लिखेंगे या जो भी आप टाइप करेंगे वो उसका कलर क्या होना चाहिए। तो वैसे तो डिफ़ॉल्ट इसका कलर जो है ब्लैक रहता है, लेकिन आप जो भी कलर चूज़ करना चाहें वो कलर यहाँ पर आप इससे, इसकी प्रॉपर्टीज़ में से चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बैक कलर, बैक कलर का मतलब होता है कि उसका बैकग्राउंड कलर क्या है। दोस्तों फॉर्म का वैसे बैकग्राउंड जो कलर होता है वो जो आपकी थीम होती है विंडोज़ की उसके हिसाब से होता है, थीम कलर होता है, लेकिन इसमें जो भी कलर आप चूज़ करना चाहें वो कलर आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जो इनेबल प्रॉपर्टी होती है वो ये बताती है कि फॉर्म को इनेबल करना है कि डिसेबल करना है। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी प्रॉपर्टी जो है ट्रू होती है, इसको आप ट्रू कर सकते हो या फॉल्स कर सकते हो। पर दोस्तों फॉल्स करने पे ये दिक्कत है कि आप उस फॉर्म के अंदर काम नहीं कर पाओगे, वो उसके ऊपर ना क्लिक होगा ना डबल क्लिक होगा, वो कोई इवेंट उसके ऊपर परफॉर्म नहीं होगा। और अगर उसकी वैल्यू ट्रू रहेगी तो आप उस पर क्लिक भी कर सकते हो, उसके ऊपर जो भी आप फंक्शन लिखना चाहो या जो भी कुछ आप करना चाहो वो आप तभी कर सकते हो जब फॉर्म की इनेबल प्रॉपर्टी ट्रू हो। तो दोस्तों ये तो था फॉर्म के बारे में। अब दोस्तों इसको अपन थोड़ा डीप में और लेके चलते हैं। मैं आपको लेके चलता हूँ VB.NET के ऊपर, जिसके अंदर मैं आपको बताऊँगा प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं और फॉर्म्स को किस तरीके से लेते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं VB.NET के ऊपर। मैं दोस्तों VB.NET के ऊपर आ गया हूँ। यहाँ पर मैंने फाइल पर क्लिक किया और फाइल पर क्लिक करके मैंने न्यू क्लिक किया, न्यू पर क्लिक करके मैंने प्रोजेक्ट पर क्लिक किया। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने प्रोजेक्ट पर क्लिक किया कि यहाँ पर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स खुल गए हैं। अभी आपको काम करना है VB.NET के ऊपर, तो आपने यहाँ पे विंडोज़ को चूज़ किया और यहाँ पे विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन पे चूज़ किया। अब दोस्तों फॉर्म एप्लीकेशन चूज़ करने के बाद यहाँ पे आ रहा है नाम,
दोस्तों ये आपका प्रोजेक्ट का नाम है, इस नाम को आप चेंज कर सकते हो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माय फर्स्ट प्रोजेक्ट। ठीक है दोस्तों, इसकी लोकेशन मतलब ये कहाँ पे सेव होगा, माय डॉक्यूमेंट में सेव होगा प्रोजेक्ट्स के अंदर। ठीक है, इसके अलावा जो सॉल्यूशन का नाम रहेगा वो माय फर्स्ट प्रोजेक्ट रहेगा, और ये टिक रहेगा क्रिएट डायरेक्टरी फॉर सॉल्यूशन। दोस्तों इससे क्या होता है कि पूरी डायरेक्ट एक फोल्डर बन जाता है, और जो भी फाइल आप लेते हो वो सारी इस फोल्डर में ही सेव होती हैं, तो ये आपको टिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं ओके करता हूँ, तो जैसे मैंने यहाँ पे ओके किया, मेरा प्रोजेक्ट यहाँ पे बन रहा है, ये मेरा प्रोजेक्ट यहाँ पर खुल गया। अब दोस्तों देखिए, ये जो है आपके सामने जो दिख रहा है ये फॉर्म है। ठीक है, और अब दोस्तों जब मैं फॉर्म पे क्लिक करूँगा तो फॉर्म की प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे खुल जाएंगी। तो सबसे पहले मैंने आपको नेम प्रॉपर्टी बताई थी, तो अपन नेम प्रॉपर्टी पे चलते हैं। सबसे पहले नेम प्रॉपर्टी है, इस नेम को मैं लिख देता हूँ, इसको मैं फॉर्म वन ही रहने देता हूँ या माय फॉर्म कर देता हूँ। दोस्तों इसके अलावा जो है मैंने आपको टेक्स्ट प्रॉपर्टी बताई थी, अब टेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं अपन। इस पर नीचे कर लेते हैं, इसको स्क्रॉल करते हैं, तो यहाँ पे मैं जब क्लिक करूँगा यहाँ पर टेक्स्ट प्रॉपर्टी टी में देखिए यहाँ पर फॉर्म वन लिखा हुआ है, ये फॉर्म यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। फॉर्म वन यहाँ पे आप लिख देंगे माय फर्स्ट फॉर्म, या फिर जो भी आप लिखना चाहें। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माय फर्स्ट फॉर्म। ठीक है दोस्तों, तो जैसे मैंने इसको क्लिक किया ये वहाँ पर माय फर्स्ट फॉर्म चेंज हो गया है। देखिए इसका दोस्तों यहाँ पर बैक कलर, और मैंने आपको फोर कलर बताया था, तो फोर कलर प्रॉपर्टी जो है वो देखिए ब्लैक है यहाँ पर, इसको आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर वैप से कलर उठा सकता हूँ, मैंने मैरून कलर कर दिया है। ठीक है, इसके अलावा अब जो भी कुछ यहाँ पर मैं लिखूँगा वो मैरून कलर से आएगा। इसके अलावा बैक कलर ले लेता हूँ मैं, बैक कलर प्रॉपर्टी जो है ये आ गई, ये थीम कलर है अभी मेरा, इसको मैं चेंज कर देता हूँ वैप से उठा के। मैं इसको कस्टम वैप से उठा के मैं इसको येलो कर देता हूँ, तो ये देखिए फॉर्म येलो कलर का हो गया। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर जो है फॉर्म की प्रॉपर्टीज़ को सेट कर सकता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर मुझे जैसे फॉर्म को हाइड करना है या फॉर्म को लोड करना है, तो दोस्तों लोड और हाइड में ये रहता है कि जब हम फॉर्म को रन करते हैं, रन कहाँ से करते हैं, तो रन के लिए देखिए यहाँ प्ले बटन रहता है, इस प्ले बटन में मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर जो है फॉर्म ये मेरा रन हो जाएगा, और ये मेरा यहाँ पर एग्जीक्यूट हो गया, और यहाँ पर ये डिस्प्ले हो गया, ये फॉर्म मेरा डिस्प्ले हो गया। अब यहाँ पर जो भी मैं करना चाहूँ वो यहाँ पर अपन यहाँ पे प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो ये तो एग्जीक्यूशन मोड में है, प्रोग्रामिंग के लिए वापस मुझे डिबग मोड में जाना पड़ेगा, तो डिबग मोड के लिए मैंने इसको बंद किया, ये मैं यहाँ पे डिबग मोड में आ गया हूँ। दोस्तों अब यहाँ पे मुझे फॉर्म्स को शो या हाइड कराना है, तो दोस्तों शो या हाइड कराने के लिए मुझे एक फॉर्म की और रिक्वायरमेंट रहेगी। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जैसे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर है, यहाँ पे क्या है कि ये आपका वो फोल्डर है जहाँ पे सारी चीज़ें हैं। अभी यहाँ पे फॉर्म वन है आपका, आप यहाँ पे एक और फॉर्म ऐड कर लीजिए। फॉर्म को ऐड करने के लिए आप यहाँ पे आएंगे प्रोजेक्ट के ऊपर, ऐड विंडोज़ फॉर्म करेंगे, ऐड विंडोज़ फॉर्म से आपका यहाँ पे एक फॉर्म और ऐड हो जाएगा। देखिए हमें बहुत सारे फॉर्म बता रहा है, आपको जनरल फॉर्म लेना है, यहाँ फॉर्म टू दिया हुआ है, नेम दिया हुआ है फॉर्म टू डॉट वी बी, आपने यहाँ पे इसको ऐड कर लिया। तो यहाँ पे देखिए दो फॉर्म बन गए, फॉर्म वन और फॉर्म टू। ठीक है दोस्तों, अब मुझे फॉर्म वन को हाइड करना है, या फॉर्म वन को शो कराना है, या फॉर्म टू को हाइड करना है, या फॉर्म टू को शो कराना है, तो उसके लिए मैं वापस फॉर्म वन पे चलता हूँ। फॉर्म वन पे आ गया। अब इस पर प्रोग्रामिंग करने के लिए मुझे यहाँ पे जो एक मेन कंट्रोल होता है बटन, वो यहाँ पे लेना पड़ेगा, तो मैंने बटन को यहाँ पे लिया। ये बटन आगे वाले वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा, अभी आप इतना समझ लीजिए कि मेरे कॉमन कंट्रोल्स हैं, इन कॉमन कंट्रोल्स में से बटन को उठाया, बटन को मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ये बटन वन हो गया। अब देखिए ये मैरून कलर का आया, क्योंकि यहाँ पे अपन ने फोर कलर जो है मैरून दिया हुआ था। अब मैं इसको डबल क्लिक करके इसकी कोडिंग विंडो खोलूँगा, डबल क्लिक किया मैंने, इसकी कोडिंग विंडो यहाँ पे मैंने खोल ली। अब यहाँ पे क्या लिखा है, प्राइवेट सब बटन वन अंडरस्कोर क्लिक। तो अभी बाकी सब तो छोड़ दीजिए, अभी से आप इतना समझिए कि बटन वन पे क्लिक करने पे क्या होगा। तो अपन ये चाहते हैं कि फॉर्म वन जो है वो हाइड हो जाए और फॉर्म टू शो हो जाए, तो मैं यहाँ पे करता हूँ एफ ओ आर एम फॉर्म टू डॉट शो। ठीक है, देखिए फॉर्म टू मैंने शो करा दिया। अब मैंने इसको सेव किया प्रोजेक्ट को, और मैंने इसको रन किया। देखिए अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ ओनली फॉर्म वन शो हो रहा है। ठीक है, अब मैं बटन पे क्लिक करूँगा तो ये मेरा फॉर्म टू भी शो हो गया, ये दोनों फॉर्म यहाँ पे शो हो गए। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि इसको हाइड भी करना है मुझे, तो मैंने हाइड की अपन प्रोग्रामिंग कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक और बटन ले लिया, यहाँ पे एक और बटन ले लिया मैंने दोस्तों, ड्रॉ कर दिया एक और बटन यहाँ पे, इसका नाम बटन टू रख दिया। ठीक है, कोई इशू नहीं, इसको अपन बाद में समझेंगे।
अभी आप ये समझ लीजिए इसको अपने को डबल क्लिक करना है। तो बटन टू को जब मैंने डबल क्लिक किया तो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है हमको कि ये हाइड हो जाए, कौन सा फॉर्म टू हाइड हो जाए, तो FORM फॉर्म टू डॉट हाइड, ये देखिए। अब यहाँ पे फॉर्म टू डॉट शो, फॉर्म टू डॉट हाइड, तो यहाँ पे मैंने सेव किया इसको। अब मैंने रन किया, देखिए यहाँ पे दो बटन बन गए। पहले बटन क्लिक करता हूँ तो फॉर्म टू मेरा शो हो जाता है, मैं दूसरी बटन क्लिक करता हूँ तो फॉर्म टू मेरा हाइड हो जाता है, देखिए हाइड हो गया। फिर मैं बटन वन क्लिक करता हूँ तो फॉर्म टू मेरा शो हो गया, और मैं बटन टू क्लिक करता हूँ तो फॉर्म टू हाइड हो गया। दोस्तों इस तरीके से मैं फॉर्म्स को शो और हाइड करा सकता हूँ यहाँ पर। मुझे उम्मीद है आपको कि फॉर्म्स को शो कराना और हाइड कराना आपको आ गया होगा। चलिए दोस्तों अब मैं आगे चलता हूँ, आपसे आगे डिस्कशन करता हूँ। तो इस तरीके से मैं फॉर्म को शो करा सकता हूँ, हाइड करा सकता हूँ। मैं इनेबल प्रॉपर्टी भूल गया था, इनेबल प्रॉपर्टी के लिए वापस अपन चलते हैं प्रोजेक्ट के ऊपर। देखिए जैसे कि यहाँ पे मैं फॉर्म को आता हूँ और फॉर्म वन को मैं इनेबल को फॉल्स कर देता हूँ। तो चलो फॉर्म टू पे अपन बना लेते हैं बटन, एक और बटन बना लेते हैं फॉर्म टू में, और अपन इसको कर देते हैं कि फॉर्म वन को अपन को हाइड करना है। तो फॉर्म वन को हाइड करने के लिए मुझे फॉर्म वन का नाम पता होना चाहिए। तो फिर मैं फॉर्म वन पे क्लिक किया और फॉर्म वन का नाम देखा, तो मेरा फॉर्म वन का नाम क्या है, माय फॉर्म है। तो मैं फॉर्म टू पे जाता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ माय फॉर्म डॉट हाइड, ठीक है दोस्तों। और ये फॉर्म टू पे एक और बटन बना लेता हूँ उसको शो कराने के लिए। माय फॉर्म डॉट शो, तो दोस्तों ये मेरा यहाँ पर दोनों चीज़ें बना दी है मैंने। अब देखिए अपन चला कर देखते हैं इसको। देखिए यहाँ बटन वन मैंने यहाँ पे किया तो ये खुल गया, बटन टू किया तो ये हाइड हो गया, अब बटन वन किया तो ये हो गया। अब मैं बटन वन यहाँ क्लिक करूँगा तो क्या होगा, फॉर्म वन हाइड हो जाएगा, ये फॉर्म वन हाइड हो गया, बटन टू से ये फॉर्म टू खुल गया। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर बटन्स के आधार पर दोनों को शो और हाइड करा सकता हूँ। अब मैं आपको बता रहा था इनेबल प्रॉपर्टी के बारे में। तो इनेबल प्रॉपर्टी में अगर देख लीजिए, जैसे यहाँ पे मैंने फॉर्म टू क्लिक किया और फॉर्म टू को मैंने यहाँ पे खोला, तो जो बटन टू की, ये बटन टू नहीं फॉर्म टू की, ये फॉर्म टू की प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर मैं इसको इनेबल फॉल्स कर देता हूँ, इसके इनेबल प्रॉपर्टी यहाँ पे दी हुई है, मैं इनेबल को यहाँ पे फॉल्स कर देता हूँ तो देखिए क्या होगा। ये इनेबल मैंने फॉल्स कर दिया, अब मैंने इसको सेव किया और यहाँ पे मैंने इसको रन किया। अब यहाँ बटन वन पे क्लिक किया तो ये है, ये खुल तो गया पर इस ये इनेबल नहीं है, तो मैं यहाँ पे कुछ काम नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। ये बटन टू हाइड हो गया, हाइड और शो तो होगा पर इसके अंदर काम नहीं होगा। तो ये होता है इनेबल प्रॉपर्टी से। इनेबल प्रॉपर्टी से फॉर्म को इनेबल और डिसेबल दोनों कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको शो कराना, हाइड कराना और इनेबल और डिसेबल करवाना आ गया होगा। इसको आप प्रैक्टिकली जरूर कीजिएगा। चलिए अब मैं लौटता हूँ प्रेजेंटेशन की तरफ। अब दोस्तों जो अगला टॉपिक है वो ये है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो दोस्तों वेरिएबल्स क्या होते हैं, स्पेशल मेमोरी लोकेशंस होते हैं जिसमें हम लोग अपनी वैल्यूज़ को डाल सकते हैं। हमें कोई भी नंबर्स को ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, तो वो नंबर्स ऑटोमेटिक मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं होंगे, उनके लिए आपको वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे। और वेरिएबल्स कैसे लिए जाते हैं, तो वेरिएबल्स लेने के लिए हमको रिक्वायरमेंट रहती है उनके नाम की, कि उसका नाम क्या होगा, वेरिएबल का नाम क्या होगा, या जो मेमोरी लोकेशन हम लेंगे उसका नाम क्या होगा, उसका डेटा टाइप क्या होगा, मतलब उस वेरिएबल के अंदर क्या रखोगे आप, नंबर रखोगे कि कैरेक्टर रखोगे, उसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है, डिम ए एज इंटीजर, इसका मतलब हो गया डिम हम लिखते ही हैं, ये हमारा कीवर्ड है, ये ए जो है हमारे वेरिएबल का नाम हो गया, ठीक है, और ये इंटीजर हमारा डेटा टाइप हो गया, मतलब इसके अंदर हम एक मेमोरी लोकेशन बन गई है ए नाम की। ये देखिए एक ए नाम की मेमोरी लोकेशन बन गई है, इसका नाम जो है वो ए है, और ये इंटीजर टाइप की वैल्यू को होल्ड करेगा। मतलब अगर इसमें आप अब कैरेक्टर डालना चाहोगे, कैरेक्टर्स होते हैं वन से लेकर जेड तक, ठीक है, और प्लस माइनस मल्टीप्लाई जो भी साइन वगैरह होते हैं, जो भी कीबोर्ड पे हैं, सारे कैरेक्टर्स ही हैं। तो अगर आप जैसे कि आप डिम ए एज इंटीजर लिया हुआ है, तो यहाँ पे ए आपका एक मेमोरी लोकेशन बन गया, इसका नाम आपका ए है। अब इसके अंदर ये कौन सी वैल्यू होल्ड करेगा, ये एक इंटीजर वैल्यू होल्ड करेगा, ठीक है। आपने यहाँ पे लिखा ए इक्वल टू 10, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जब भी ये वैल्यू होती है तो ये राइट वाली वैल्यू हमेशा लेफ्ट में जाती है, तो राइट वाली वैल्यू लेफ्ट में चली गई। जब ये स्टेटमेंट कंपाइल होगा
तो यहाँ पर क्या होगा, 10 ऑटोमेटिक यहाँ पर स्टोर हो जाएगा, फिर आप इस 10 को यूज़ कर सकते हो। अब आपको मान लीजिए इस एक को किसी के साथ ऐड करना है, तो वो ऑटोमेटिक आप वो ऐड हो जाएगा। तो ये मेमोरी लोकेशन, तो वेरिएबल्स क्या होते हैं दोस्तों, तो वेरिएबल्स एक मेमोरी लोकेशंस होते हैं जो कि डेटा को कंटेन करते हैं। और हर वेरिएबल के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, नाम क्या है उस वेरिएबल का, वो कौन सा डेटा टाइप होल्ड करेगा और उसकी वैल्यू क्या रहेगी। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो दोस्तों ये थे वेरिएबल्स के बारे में, थोड़ा हम इसको और डीप में लेके चले। अब दोस्तों वेरिएबल्स कितने टाइप के होते हैं वो भी देख लीजिए, ठीक है। बाइट होते हैं, बाइट के अंदर ये 8 बिट्स का साइज़ होता है और ये इसकी रेंज होती है 0 से लेकर 255। मतलब अगर आपको 0 से लेकर 255 तक स्टोर करना हो तो आप बाइट का यूज़ करोगे। यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा डिम ए एस बाइट, शॉर्ट शॉर्ट में आप -32768 से लेकर +32767 तक स्टोर कर सकते हो। इसके अलावा इंटीजर में आप इतनी बड़ी वैल्यू स्टोर कर सकते हो, लॉन्ग में आप इतनी बड़ी वैल्यू स्टोर कर सकते हो, सिंगल में आप इतनी वैल्यू 6 डेसिमल पॉइंट्स तक वैल्यू स्टोर कर सकते हो, डबल में आप 14 डेसिमल पॉइंट्स तक स्टोर कर सकते हो, डेसिमल में आप 28 डेसिमल पॉइंट्स तक वैल्यू स्टोर कर सकते हो, बुलियन ट्रू या फॉल्स को स्टोर करता है, कैरेक्टर में कोई भी एक कैरेक्टर आप स्टोर कर सकते हो। तो दोस्तों ये मेरे .NET के प्रिमिटिव डेटा टाइप हैं, मतलब आप जो भी वेरिएबल बनाओगे उसका आप टाइप इसमें से कोई सा भी रख सकते हो जो आपकी रिक्वायरमेंट हो। दोस्तों इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये कई बार आपके इंटरव्यूज़ में या एग्ज़ाम क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि .NET प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होते हैं और क्या क्या वैल्यूज़ वो लोग स्टोर कर सकते हैं। तो बाइट स्टोर कर सकते हैं, शॉर्ट स्टोर कर सकते हैं, इंटीजर स्टोर कर सकते हैं। अक्सर हमारा काम इंटीजर से हो जाता है, लेकिन जब हम पॉइंट वाली वैल्यूज़, हमारा कोई एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें हमें बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप लॉन्ग का या डबल का यूज़ भी कर सकते हो, क्योंकि ये आपके डेसिमल पॉइंट तक बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू आपको प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो दोस्तों ये तो थे मेरे .NET के प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। अब चलिए आगे चलते हैं। ये असाइनमेंट ऑपरेटर मैंने आपको बता दिया है अभी कि ये मैंने यहाँ पे से इंटीजर लिया या डबल लिया या बुलियन लिया, तो मैं इसकी जो वैल्यू असाइन करानी है वो मैं इस तरीके से दूंगा। इसमें राइट वाली वैल्यू हमेशा लेफ्ट वाले में असाइन हो जाती है, मतलब ये माई इंटीजर है तो 1 माई इंटीजर के अंदर स्टोर हो जाएगा। मतलब ये मेरी मेमोरी लोकेशन बनेगी, इस मेमोरी लोकेशन का नाम रहेगा माई इंटीजर और इसके अंदर 1 मैंने स्टोर कर दिया है। तो इस तरीके से असाइनमेंट ऑपरेटर से मैं जो है इक्वल टू ऑपरेटर से मैं जो भी मैं वेरिएबल लूँगा उस वेरिएबल की वैल्यू मैं यहाँ पर रख सकता हूँ। चलिए अब मैं आगे चलता हूँ दोस्तों। अब मैं आता हूँ इनपुट बॉक्स के ऊपर। दोस्तों मेन इनपुट बॉक्स का काम क्या होता है, यूज़र से इनपुट लेना। अब दोस्तों यूज़र से इनपुट किस तरह से लिया जाता है, तो दोस्तों एक प्रॉम्प्ट आपके सामने आ जाएगा, उस प्रॉम्प्ट में रहेगा, वो प्रॉम्प्ट जो है उस प्रॉम्प्ट से आप यूज़र के अंदर इनपुट ले सकते, यूज़र से इनपुट ले सकते हो। मतलब अगर मैं इनपुट बॉक्स के डेफिनेशन को बताऊं तो वो ये है कि एक प्रॉम्प्ट डिस्प्ले करता है और वेट करता है जब तक यूज़र उसमें वैल्यू इनपुट नहीं करा देता, ठीक है। अब इसका सिंटैक्स क्या होता है, इसका सिंटैक्स होता है इनपुट बॉक्स प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट का मतलब होता है मैसेज, ये मैसेज जो भी आप टाइप करना चाहते हो। फिर इसके अलावा टाइटल, क्या टाइटल आप रखना चाहते हो, उसके डिफ़ॉल्ट वैल्यू, मतलब अगर मान लीजिए यूज़र ने कुछ इनपुट नहीं किया तो वो डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक क्या वैल्यू लेगा, उसकी एक्स पोजीशन और वाई पोजीशन, हेल्प फाइल और कंटेंट। एक्स पोजीशन वाई पोजीशन मतलब यहाँ पे उसकी पोजीशन क्या रहेगी और हेल्प फाइल और कंटेंट क्या रहेंगे, हेल्प फाइल और कॉन्टेक्स्ट क्या रहेंगे। तो दोस्तों प्रॉम्प्ट क्या होता है, जो स्ट्रिंग डिस्प्ले होने वाली है, टाइटल, तो टाइटल वहाँ पर डिस्प्ले होगा, डिफ़ॉल्ट वैल्यू, जो अगर मान लीजिए यूज़र ने कोई वैल्यू इनपुट नहीं करी तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगी, एक्स पोजीशन और वाई पोजीशन, उसकी एक्स पोजीशन और वाई पोजीशन क्या होगी, हेल्प फाइल उसकी हेल्प फाइल। तो दोस्तों ये इनपुट बॉक्स में कुछ इस तरह से दिखता है, ठीक है। ये देखिए इसका टाइटल हो गया, ये उसका प्रॉम्प्ट हो गया, ये उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू हो गई, और यहाँ पे ओके या कैंसिल दो बटन्स रहेंगे। आप ओके पे क्लिक करोगे तो ये वैल्यू जो है जो वेरिएबल रहेगा उसमें ऑटोमेटिक असाइन हो जाएगी। मतलब जैसे यहाँ पे ए इक्वल टू 30 दिया हुआ है, आपने यहाँ पे इनपुट बॉक्स में यहाँ पे लिखा 30 और ओके कर दिया, तो ये मेमोरी लोकेशन जो ए रहेगा, ये वेरिएबल रहेगा ए अपना, इस ए के अंदर 30 यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, फिर इस 30 को आप यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों ये मेनली जो होता है यूज़र से इनपुट लेने के काम आता है। इसको हम प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे, पर अभी आप इसको इतना समझ लीजिए कि इनपुट बॉक्स जो है यूज़र से इनपुट लेने के काम आता है। अब दोस्तों मैं आगे चलता हूँ मैसेज बॉक्स के ऊपर।
अब देखिए दोस्तों, मैसेज बॉक्स क्या होता है, जैसे कि यूज़र से इनपुट लेने के लिए इनपुट बॉक्स का यूज़ किया जाता है, वैसे यूज़र को मैसेज देने के लिए मैसेज बॉक्स का यूज़ किया जाता है। तो मैसेज बॉक्स एक क्या होता है, डायलॉग बॉक्स होता है जो कि मैसेज को डिस्प्ले करता है। अब मैसेज बॉक्स का सिंटैक्स क्या होता है, देखिए सिंटैक्स ये होता है, मैसेज बॉक्स प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट मतलब जो स्ट्रिंग डिस्प्ले होने वाली है वो, बटन्स। अब इसमें दोस्तों बटन में क्या होता है, ओके बटन होता है, ओके कैंसिल बटन होता है, जो बटन आप रखना चाहो वो बटन्स आप यहाँ पर रख सकते हो। टाइटल, उसका टाइटल बार, जो भी टाइटल आप रखना चाहते हो, वही हेल्प फाइल और वही कॉन्टेक्स्ट। अब प्रॉम्प्ट तो वही स्ट्रिंग जो डिस्प्ले होगी वहाँ पर, ठीक है। बटन्स जो भी डिस्प्ले कराना, जो भी आप बटन्स लेना चाहें, ओके कैंसिल यस या नो, जो बटन्स आप लेना चाहें, टाइटल, जो टाइटल डिस्प्ले होगा वो यहाँ पर हेल्प फाइल आ जाएगी। अब दोस्तों मैसेज बॉक्स इस तरीके से दिखता है, देखिए जैसे मैंने यहाँ पर देखा मैसेज बॉक्स द इनपुट इज, तो ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी हो गई प्रॉम्प्ट। तो यहाँ पे द इनपुट इज आ गया, द इनपुट नंबर इज, ठीक है। इसके अलावा मैसेज बॉक्स स्टाइल, ये आपके बटन्स होते हैं। अभी यहाँ पे क्या लिखा है, ओके ओनली, तो सिर्फ ओके डिस्प्ले होगा। इसके अलावा यहाँ पे ओके कैंसिल यस नो, बहुत सारे बटन्स दिए हैं, जो बटन आप लेना चाहो वो बटन आप मैसेज बॉक्स के अंदर यहाँ पर ले सकते हो। इसके अलावा जो थर्ड ऑप्शन रहता है वो है टाइटल बार, ये टाइटल आप फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये टाइटल आपका यहाँ पे एग्जाम्पल डिस्प्ले हो गया। अब दोस्तों ये सारी चीज़ें ऑप्शनल रहती हैं, अगर आप इसको देना चाहो तो इसको दो, नहीं तो नहीं दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको भी आप देना चाहो तो दो, नहीं देना चाहो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये आपको देना पड़ेगा द इनपुट नंबर इस। अगर आप इसको भी नहीं दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे ब्लैंक मैसेज आ जाएगा आपका। तो चलिए इसको मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। मैं दो ऐसा प्रोग्राम बना रहा हूँ जो दो नंबर्स को ऐड करेगा, दो नंबर्स को इनपुट लेगा, उनको ऐड करेगा और आपको मैसेज देगा। तो इसके लिए मुझे आपको vb.net पे लेके चलना पड़ेगा दोस्तों। तो चलिए अपन चलते हैं vb.net के ऊपर। देखिए यहाँ पे मैं आ गया हूँ, अब मैं यहाँ पे आके नया प्रोजेक्ट बना लेता हूँ। न्यू क्लिक किया, मैंने प्रोजेक्ट पे क्लिक किया, यहाँ पे विंडोज़ फॉर्म आया, मैं बाकी सब वैसे ही छोड़ देता हूँ। नाम वगैरह आप डाल लीजिएगा, नहीं तो ये विंडोज़ एप्लीकेशन 12 से स्टोर हो जाएगा। तो अभी विंडोज़ एप्लीकेशन 12 भी इसका नाम रहने देते हैं और यहाँ पे ओके क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे फॉर्म बन गया मेरा। अब मैं यहाँ पे बटन्स ले लेता हूँ, क्योंकि मेन जो प्रोग्रामिंग है वो तो बटन पे ही होगी। बटन मैंने यहाँ पे ले लिया है, मैंने बटन को डबल क्लिक किया तो यहाँ पे मेरा विंडो खुल गया है। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग, यहाँ पे मैं लेता हूँ डिम ए कॉमा बी कॉमा सी एस इंटीजर, ये तीन वेरिएबल्स ले लिए मैंने, ये तीन मेरी मेमोरी लोकेशन से। अब मैं ए के अंदर इनपुट लूँगा, इनपुट लेने के लिए इनपुट बॉक्स का यूज़ करूँगा, इनपुट बॉक्स इनपुट फर्स्ट नंबर, ये मेरा मैसेज हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं टाइटल लेने वाला हूँ, तो माय फर्स्ट प्रोग्राम ले लेता हूँ। ये मेरा इनपुट बॉक्स हो गया दोस्तों, अब इसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैंने ए और बी के अंदर इनपुट ले लिया है, अब मुझे इसको सी के अंदर ऐड करना है। तो सी को ऐड करने के लिए सी इक्वल टू ए प्लस बी। दोस्तों क्या होगा, जो भी मैंने ए के अंदर इनपुट लिया इनपुट बॉक्स से और जो मैंने बी के अंदर इनपुट लिया इनपुट बॉक्स से, वो दोनों जुड़ जाएंगे और कहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, सी के अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे। अब सी की वैल्यू को मुझे प्रिंट करवाना है, तो प्रिंट के लिए मैं मैसेज बॉक्स से इसको डिस्प्ले कराता हूँ। मैसेज बॉक्स यहाँ पे मैंने लिया द एडिशन इस, देखिए मैं यहाँ पे मैसेज बॉक्स जो स्टाइल है इसमें बटन दिया है, तो मैंने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन का बटन ले लिया और मैंने इसको यहाँ पे क्लोज कर दिया। इसका टाइटल भी ले लेते हैं अपन लोग, टाइटल में मैंने द आंसर ले लेता हूँ, मैं टाइटल जो रहता है। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या किया मैंने, द एडिशन लिखा, ये मेरी स्ट्रिंग हो गई, प्लस सी किया। तो दोस्तों प्लस का मतलब होता है कि ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे। अब मुझे एक्चुअली क्या है, सी की वैल्यू प्रिंट करनी है। अगर मैं एडिशन ऑफ सी, द एडिशन इज सी लिख देता हूँ, तो यहाँ पे सी एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू प्रिंट नहीं होगी। मैं आपको करके बताता हूँ इसको। मैंने इसको सेव किया, मैंने इसको रन किया। अब रन करने पे मैं यहाँ पे सामने देखिए ये फॉर्म खुल गया, मैंने क्लिक किया तो ये मेरे सामने इनपुट बॉक्स आ गया, माय फर्स्ट इनपुट फर्स्ट नंबर माय फर्स्ट प्रोग्राम। मैंने यहाँ पे इनपुट किया 10, ठीक है, और मैंने यहाँ पे ओके कर दिया।
यहाँ पे सेकंड आ गया, सेकंड इनपुट बॉक्स आ गया, यहाँ पे मैंने इनपुट किया 20, ठीक है, ओके किया, तो यहाँ पे मैसेज बॉक्स का द एडिशन इज सी, यहाँ सी की वैल्यू प्रिंट नहीं हुई है, ठीक है। इसकी वैल्यू को अगर आपको प्रिंट करना है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा प्लस सी। तो ये क्या होगा दोस्तों, प्लस सी से कंबाइन हो जाएगा, ये कंबाइन हो जाएगा और यहाँ पे आपका एडिशन आ जाएगा। अब यहाँ पे इनपुट बॉक्स में गलती थी, इनपुट था सेकंड नंबर लिखना था मुझे मैसेज में, तो मैसेज तो कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे अपन सेकंड कर देते हैं, एस ई सी ओ एन डी सेकंड नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूँ दोस्तों, चला के बताता हूँ किस तरह से चलता है ये प्रोजेक्ट। देखिए यहाँ पे आ गया, मैंने यहाँ पे बटन क्लिक किया, तो यहाँ पे इनपुट द फर्स्ट नंबर, मैंने यहाँ पे इनपुट किया 10 और मैंने यहाँ पे इसको ओके कर दिया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बता रहा है इनपुट सेकंड नंबर, तो सेकंड में मैं अपन ने इनपुट किया 20 और यहाँ पे मैंने ओके कर दिया। तो दोस्तों यहाँ पे प्लस की बजाय मैं एंड का यूज़ करूँगा, ठीक है, क्योंकि वो कुछ एरर आ गई थी, तो अपन या तो प्लस ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं या अपन एंड ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। एंड ऑपरेटर से दो स्ट्रिंग ज्वाइन होती हैं और प्लस ऑपरेटर से दो नंबर्स ज्वाइन होते हैं। तो अभी यहाँ पे क्योंकि ये नंबर है इसलिए, और ये अपनी जो है करेक्टर है, ये पूरा स्ट्रिंग है। अब स्ट्रिंग क्या होती है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, तो आप ये समझ लीजिए कि ये अपना जो है, जब भी आपको ज्वाइन करना हो आप एंड ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। इसको मैंने सेव किया दोस्तों और यहाँ पे चला के बताया, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 10 इनपुट किया, यहाँ पे 20 इनपुट किया, द एडिशन इज 30, ये मेरा आंसर हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे मैं मैसेज बॉक्स की हेल्प से यूज़र से इनपुट भी ले सकता हूँ और आंसर को भी डिस्प्ले करवा सकता हूँ। इनपुट बॉक्स से मैं इनपुट ले सकता हूँ और मैसेज बॉक्स से मैं ये आंसर को डिस्प्ले करा सकता हूँ। दोस्तों इस तरीके से हम लोग इनपुट बॉक्स और मैसेज बॉक्स को यूज़ करते हैं। चलिए अब मैं चलता हूँ प्रेजेंटेशन की तरफ। तो दोस्तों आप, मुझे उम्मीद है कि आपको इनपुट बॉक्सेस क्या होते हैं, मैसेज बॉक्सेस क्या होते हैं, फॉर्म को कैसे अपलोड, कैसे लोड हाइड और इनेबल करना है, वो आपको आ गया होगा। अब दोस्तों जैसे मैंने प्लस का यूज़ किया, वैसे यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई का भी यूज़ कर सकता हूँ। तो मल्टीप्लाई जो है दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देगा, प्लस दो नंबर्स को प्लस कर देगा, माइनस दो नंबर्स को माइनस कर देगा। दोस्तों एक यहाँ कुछ ऑपरेटर्स और भी दिए हैं, वो भी बता देता हूँ मैं आपको। ये ऑपरेटर में एक्सपोनेंशियल है, मतलब जो अपन पावर लेते हैं 2 की पावर 3, जैसे मैंने 11 पावर 2 लगाया तो ये 121 इसका रिजल्ट आ गया। अगर मैं 2 पावर 2 लगाता तो यहाँ पर 4 आंसर आया था। तो जो भी पावर लेना है तो आप एक्सपोनेंशियल का यूज़ करोगे। डिवीज़न में अगर आपको पॉइंट वाले नंबर्स चाहिए तो आप फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ करोगे। अगर आपको सिर्फ इंटीजर डिवीजन चाहिए, पॉइंट वैल्यूज़ नहीं चाहिए, तो आप बैकवर्ड स्लैश का यूज़ करोगे। तो ये आपका आंसर बैकवर्ड स्लैश में 5 आ जाएगा। 2 में 2 11 से 2 को डिवाइड किया तो 5 आंसर आया। अगर आपको पॉइंट में आंसर चाहिए तो आप यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ करोगे तो आपका यहाँ पे 5.5 आ जाएगा। मॉड में दोस्तों रिमाइंडर रिटर्न करता है। रिमाइंडर मतलब जैसे मान लीजिए मैंने 2 को डिवाइड किया, 11 को डिवाइड किया 2 से, तो रिमाइंडर मेरा 1 बचा, तो 1 रिमाइंडर यहाँ पे अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे मॉड का यूज़ करोगे। दोस्तों इस तरीके से इन 7 सिंबल्स का यूज़ करके आप अपने मैथमेटिकल कैलकुलेशन को परफॉर्म कर सकते हो। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स भी समझ में आए होंगे, इसके अलावा इनपुट बॉक्स और मैसेज बॉक्स भी समझ में आया होगा, इसके अलावा फॉर्म्स को किस तरह से हाइड करते हैं, किस तरह से शो करते हैं, वो भी समझ में आया होगा। तो दोस्तों अभी मैं यहीं पे होल्ड करता हूँ, आप इन सबको प्रैक्टिकल्स कीजिए, इन सबका प्रैक्टिकल आप कीजिए और फिर मैं आपसे मिलता हूँ अगले वाले वीडियो में। दोस्तों कुछ क्वेश्चंस अगर आपको रेज होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं या फिर मेरे मेल पे भी मेल कर सकते हैं, आपके सामने मेल एड्रेस भी दिया है। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद।